अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प और जागरूकता हथियार है। अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कैंसर भगाओ में। दोस्तों, हमारी निरंतर यही कोशिश रहती है कि कैंसर को भगाने में हम अपना भरपूर प्रयास करें, आप सबको जागरूक करें। जिसके लिए हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हमेशा रहते हैं डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी, वर्ल्ड फेमस ऑन्को सर्जन। दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे लंग कैंसर के बारे में, जो कि भारत देश में बहुत ही कॉमन तरह का कैंसर है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और फिर आपके ईमेल्स, लेटर्स और फोन कॉल्स का भी जवाब जरूर देंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम कैंसर भगाओ में। नमस्कार डॉक्टर साहब, वैसे देखने में आया है कि भारत देश में एक बहुत ही कॉमन तरह का कैंसर जो होता है वो लंग कैंसर होता है, जिसकी शुरुआती स्टेजेस पे हम देखते हैं कि टीबी की भी शिकायत होती है अक्सर, और खांसते हुए तो हर एक इंसान मिल ही जाता है। हमें ये बताइए कि लंग कैंसर इतना कॉमन क्यों है? लंग कैंसर सिर्फ हमारे अपने देश का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। इसलिए क्योंकि लंग कैंसर सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेश में भी, पूरे दुनिया में भी सबसे नंबर वन कैंसर है, पुरुषों में भी महिलाओं में भी। ना कि ये सिर्फ नंबर वन है फेफड़ों का कैंसर, बल्कि जो लोगों की मृत्यु कैंसर से होती है उन सब में एक सबसे मुख्य कारण जो है वो है लंग कैंसर, जिससे कैंसर की मरीज की मृत्यु हो जाती है। लंग कैंसर का जो मुख्य कारण क्या हो सकता है? फेफड़ों में क्या जाता है? हवा जाती है। अगर हवा में तंबाकू हो, बीड़ी सिगरेट का धुआं हो, या धूल हो, मिट्टी हो, फैक्ट्री की गंदगी हो, वातावरण जो कंटामिनेटेड है, जो हवा अंदर जाएगी, फेफड़ों में जाएगी, जो ऑक्सीजन जाएगा अंदर, अगर उन फेफड़ों में ये पोल्यूटेड होगा तो जाहिर सी बात है जो फैक्ट्री लंग जहां पे ये जाएंगी वो हिस्सा खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, उसमें लंग कैंसर हो जाएगा। यही कारण है, क्योंकि आदमी हवा तो लेता ही लेता है, और जब हवा लेगा और उसके साथ अगर धुआं हो या पोल्यूशन हो या बीड़ी सिगरेट का धुआं हो, तो इससे लंग कैंसर हो जाता है। यही कारण है कि हर आदमी सांस लेता है और हर आदमी को लंग का कैंसर हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने कहा कि हर इंसान धुआं खींचता है, जैसे इनहेलिंग के लिए, सांस लेने के लिए ज़रूरत होती है हवा की, ऑक्सीजन की, और हर शहर में इतना प्रदूषण है कि उसको जो भी वो सांस ले रहा है उसमें प्रदूषित हवा अंदर जा रही है फेफड़ों में। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि लंग कैंसर आखिर होते कितनी तरह के हैं और इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है मरीज के ऊपर। लंग कैंसर
के टाइप्स अगर हम कहें क्लासिफाई करें तो एक होता है स्मॉल सेल लंग कैंसर, एक होता है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। स्मॉल सेल लंग कैंसर नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के कंपैरिजन में 15% होता है, 15% होता है, और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर जो होता है वो लगभग 85% होता है। तो मतलब कैंसर के मरीज में, लंग कैंसर के मरीज में 85% जो होता है वो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है। स्मॉल सेल लंग कैंसर ज्यादा खतरनाक है, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर ज्यादा खतरनाक है? इसमें से ज्यादा नुकसान या जो बीमारी जल्दी फैले, इंसान को जल्दी खत्म करे, वो कौन सा है? अगर किसी को लंग कैंसर होता है, अगर उसको स्मॉल सेल लंग कैंसर हुआ है, उसमें चांसेस ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा एग्रेसिव है और कई बार उसको तंबाकू से अजावे कई और अदर फैक्टर्स होते हैं। और जो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है जो फर्दर क्लासिफाई होता है वो है स्क्वामस सेल लंग कैंसर, और वो जो दूसरा है वो है एडिनोकार्सिनोमा। इन दोनों में एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द लंग ज्यादा अधिक कॉमन है एज कंपेयर टू स्क्वामस सेल कार्सिनोमा लंग है। बेसिकली अगर आप देखें लंग है क्या, भगवान ने, अल्लाह ने हमें दो फेफड़े दिए हैं, दोनों फेफड़ों का काम क्या है? ऑक्सीजन को अंदर लेना और जो टॉक्सिक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो बनता है, उसको शरीर से बाहर निकालना और हमारे ब्लड को एनर्जी देना। क्या हम सोच सकते हैं दुनिया में कोई अपनी नाक बंद करके 5 मिनट के लिए बैठ सके? नहीं, क्योंकि इसका मतलब ऑक्सीजन हमें बहुत जरूरी है। रिसेंटली हमने एक, हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है, जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में जो इंसिडेंट हुआ है, वहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वहां पे मुझे रोना आया कि अगर सोचो कोई मुझे, मेरे मुंह को बंद कर देता है, ऑक्सीजन मैं नहीं ले पाता हूं, तो मेरी क्या दुर्घटना होगी, मैं क्या होगा और कैसे मैं मरूंगा तड़प तड़प के। यह है ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस। 70 से ज्यादा छोटे बच्चे जो अभी अभी पैदा हुए थे ऑक्सीजन की कमी के वजह से। वो दुनिया में आने से पहले, दुनिया में कुछ हमारे देश को उन्नति पे ले जाने से पहले पहले मां बाप के सामने, हम सब के सामने हम उनको बचा नहीं पाए। कमी सिर्फ ऑक्सीजन की थी। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे फेफड़े को कितना इंपॉर्टेंस होता है हम ऑक्सीजन का, और हम क्या कर रहे हैं, हम उस लंग्स में बीड़ी का धुआं, सिगरेट का धुआं, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्री का धुआं हम उसमें ठोस रहे हैं। हमारा देश हेल्थ में एक तरफ कई दुनिया से लोग इलाज के लिए हमारे पास आ रहे हैं और एक तरफ 70 बच्चे ऑक्सीजन की कमी के वजह से अपनी जान खो बैठते हैं। क्या हम अपने आप को माफ कर सकते हैं?
हमें आगे हमारे देश में ऐसा ना हो। मुझे, हम सबको, कैंसर भगाओ को, पूरे देश को, देश के स्वास्थ्य को, ना कि एक जगह बल्कि हर जगह, हर बच्चे को, हर गांव में स्वास्थ्य को, ना कि रोटी कपड़े मकान को, बल्कि स्वास्थ्य को महत्व देना है, इंपॉर्टेंस देना है। सुनने में तो मेरे बातों में वो मजा नहीं आएगा जो कि एक पिक्चर देखने में आएगा, लेकिन स्वास्थ्य रहेगा तब आप वो पिक्चर देख पाओगे, आप हेल्थी रहेंगे तब देश को आप आगे ले जा पाओगे, देश के लिए कुछ कर पाओगे। इसलिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए हमें अपने आप को, अपने संस्था को, अपने देश को, अपने अस्पतालों को, उनके लेवल को, ना कि सिर्फ दिल्ली के बल्कि हर जगह जगह, छोटे छोटे जगहों पे भी, जब हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो छोटे छोटे चीजों पे भी इंपॉर्टेंस दे। हॉस्पिटल चला रहे हैं, ये जो दुर्घटना हुई है ये हेल्थ के हिस्ट्री में, हमारे देश के हिस्ट्री में एक ब्लैक डॉट है, एक ब्लैक डे है, और हम शपथ भी खाते हैं कि ऐसा आगे होने भी नहीं देंगे, ऐसी गलती कभी आगे हो भी ना। और जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए जरूरी है, हम उसको कंटेमिनेट नहीं करेंगे। हम बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पॉल्यूशन, हर चीज में हम उसको रोक थाम कर लेंगे। तो यूजुअली होता क्या है, जो ऑक्सीजन हमारे फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से हमारे राइट साइड वाला लंग, लेफ्ट साइड ऑफ लंग, बेसिकली ये ट्रेकिया कहते हैं, ट्रेकिया नीचे जाके दो साइड में डिवाइड होता है जो ट्यूब, और उससे तीन और ट्यूब बनते हैं जिससे अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब बनता है, और फिर हर लोब में, जैसे कि एक साइड में 10 छोटे छोटे लोब हैं, उनके ब्रोंकियोल्स वगैरह बनते हैं। अगर ये ट्यूब में, ब्रोंकस में अगर कैंसर होता है तो उसको ब्रोंकोजेनिक कैंसर कहते हैं, और लंग में होता है तो लंग कैंसर, लंग पैरेन्काइमा कैंसर कहते हैं। स्मॉल सेल लंग कैंसर, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, स्मॉल सेल लंग कैंसर जो होता है वो 15%, लार्ज सेल लंग कैंसर, सॉरी नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर जो होता है वो होता है 85%। स्मॉल सेल लंग कैंसर कंपैरिजन अगर हम करें नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर से, वो ज्यादा डेंजरस है, जल्दी फैलता है, आदमी के लिए हानिकारक है, और जो नॉन स्मॉल सेल जिसमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आता है, एडिनो कार्सिनोमा आता है, ये भी हानिकारक है, और 85% जो कैंसर होता है वो इस तरह का होता है, वो क्योंकि लंग के एल्वियोल्स से बनता है। तो इस तरह से दो तरह के लंग कैंसर के टाइप्स होते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि दो तरह के लंग कैंसर्स होते हैं, दरअसल हमारी जो भारत की जो जनसंख्या है, अधिकतर लोग लंग कैंसर या किसी भी तरह की बीमारी के प्रति इतने ज़्यादा जागरूक नज़र नहीं आते, या जिसको कहें कि प्रिकॉशंस लेते हुए नज़र नहीं आते हैं। तो ऐसे में क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे पता लगे कि लंग कैंसर हुआ है, या हमें बीमारी शुरू हो गई है जिसका हमें इलाज कराना बेहद ज़रूरी है और डॉक्टर के पास जाना भी बहुत ज़रूरी है? जो लंग कैंसर के जो लक्षण होते हैं वो बिल्कुल टीबी के लक्षण की तरह होते हैं। टीबी हमारे देश में कॉमन है, लंग कैंसर भी हमारे देश में कॉमन है। लोग टीबी समझ के लंग कैंसर को नहीं पहचान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, टीबी समझ के टीबी का इलाज करवा लेते हैं, और आखिरकार पता चलता है 2-3 महीने के बाद, जब टीबी का इलाज हो रहा है और वो ठीक नहीं हो रही है, तब जाके उसकी बायोप्सी, FNAC जब हो जाती है, जब लंग कैंसर कंफर्म हो जाता है, तब वो इस परेशानी में आ जाते हैं। तब तक वो फैला हुआ होता है, शरीर के हर हिस्से में पहुंच चुका होता है, और उसको हम बचा नहीं पाते हैं। जो बेसिकली जो लक्षण हैं
वो लक्षण बिल्कुल टीबी की तरह है, जैसे मैंने कहा। टीबी में क्या क्या लक्षण होते हैं? खांसी, कॉफ। यूजुअली जो खांसी होती है, जो एलर्जिक खांसी होती है, जो सर्दी बुखार की वजह से खांसी होती है, चेस्ट में थोड़ा सा निमोनिया की वजह से होती है, या चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से होती है, ये कुछ दिनों के लिए होती है, कुछ समय के लिए होती है। बॉडी हमारी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, जो दवाई हम लेते हैं उससे शरीर में ताकत आ जाती है और हम ठीक हो जाते हैं। अगर कोई खांसी 10 दिन से अधिक टाइम ले रही है, समय ले रही है और वो ठीक नहीं हो रही है, आपको अलार्म रेज करना चाहिए, क्योंकि टीबी हो या कैंसर हो, उसके अर्ली स्टेज में नियरली 100% उसका इलाज होता है, जान बच सकती है। खांसी के अलावा, खांसी के साथ जो बलगम निकलता है, उस बलगम में अगर खून आता है, खून के धब्बे आते हैं, ये भी लंग कैंसर के एक सिम्टम होता है। सांस लेने में अगर मुझे तकलीफ हो रही है, मेरी सांस फूल रही है, जो कि पहले अगर मैं एक थोड़े सीढ़ियां चल लेता था, मेरी सांस नहीं फूलती थी, अब फूलने लगी है, इसका मतलब आपके लंग्स में कुछ ना कुछ खराबी है। और वो जो फूलना है, दवाई लेने के बाद थोड़ा ठीक होना था, अगर वो नहीं हो रहा है और 10 दिन से ज्यादा समय ले रहा है, ये एक अलार्म हो सकता है, एक जागरूकता का एक ये हो सकता है कि भाई ये कैंसर की लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा दर्द हो रहा हो छाती में, पीठ में, गले में, खांस खांस के, ये भी एक लक्षण है लंग कैंसर का। आवाज जो मेरी है वो बैठ गई है, धीरे धीरे कम हो रही है, ये भी एक लक्षण है लंग कैंसर का, जबकि उसकी नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। लोग खांसी को लेके नहीं आते हैं कभी, क्योंकि लगता है खांसी तो आम चीज है, सबको होती है, शायद ये नॉर्मल खांसी है, बट हम उसको निग्लेक्ट ना करें। खांसी का होना, खांसी के साथ जो बलगम निकल रहा हो उसके अंदर खून का होना, दर्द होना छाती में, आवाज का बदल होना या आवाज बैठ जाना, वजन का कम होना, वेट लॉस होना, फीवर का आना, जिसको हम बुखार कहते हैं, फीवर का आना, भूख नहीं लगना, कमजोरी होना, ये सारे लक्षण हैं लंग कैंसर के। सारे लक्षण ये भी हैं ट्यूबरकुलोसिस के, जैसे फीवर का आना। तो ये जो लक्षण अगर हो, वैसे कैंसर के जो हर लक्षण जो होता है वो अक्सर एक जैसे होता है, जैसे कि वजन का कम होना, भूख का नहीं लगना, मतलब जो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हर कैंसर में कॉमन है। पर जो लंग कैंसर के लिए, अगर मैं एक बार और दोहराऊं ताकि आपको, एक तो खांसी का होना, खांसी के साथ बलगम का होना, दर्द का होना, आवाज का बैठना, वजन का कम होना,
ये सारे जो है ये लक्षण लंग कैंसर है, और किसी में ये लक्षण है और ये लक्षण 10 दिन 15 दिन एक महीने में ठीक होने, अगर ये नहीं हो रहे हैं आपको जाना चाहिए और आपको चेस्ट फिजिशियन से मिलके या कोई फिजिशियन से मिलके आपको इसकी जांच करवानी होगी। और जैसे ही जांच हो जाएगी इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या ये COPD है, क्या जी ये अस्थमा है, क्या जी ये TB है, क्या जी ये कैंसर है, क्या जी ये एलर्जिक है। जरूरी नहीं कि ये कैंसर हो, जरूरी नहीं, लेकिन अक्सर जिसमें हिस्ट्री है तंबाकू के खाने की, बीड़ी सिगरेट के इस्तेमाल करने की, पॉल्यूशन में रहने की, या जिनको फैक्ट्रीज में जहां पे डस्ट बनता है, जहां पे एस्बेस्टोस की फैक्ट्री है, या रेडिएशंस हैं, जहां पे लोग काम करते हैं, क्योंकि ये कुछ कारण है जिससे लंग कैंसर होता है, और जिनमें ये सिम्टम्स हो वो मैच करते हो, तो उनको तो चाहिए कि भाई जागरूक हो, उनको तो चाहिए कि भाई वो अपने आप को आइडेंटिफाई करके, डायग्नोज करके अपने आप को ट्रीट करें, क्योंकि डॉक्टर को, हॉस्पिटल को, कैंसर भगाओ को, समिता मिश्रमल फाउंडेशन को यहां बैठे ये तो नहीं आएगा कि भाई इसको हो सकता है कैंसर हो। डॉक्टर साहब, हमने तो यही देखा है कि आप हमारे दर्शकों को बहुत ही इनकरेज करते हैं कैंसर जैसी बीमारी के लिए, मतलब उससे लड़ने के लिए, और अधिकतर आपको हमने कहते हुए भी सुना है कि कैंसर के मरीज बच जाते हैं, पर लंग कैंसर के मामले में अक्सर 80% जो मरीज हैं वो या तो मर जाते हैं या फिर बहुत ही बुरे हालात में लड़ते हुए, लंग कैंसर से जंग लड़ते हुए अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ये आपने बहुत सही ये किया है, पॉइंट रेज किया है, वैलिड पॉइंट है, और ये हकीकत भी है, क्योंकि हम जो अब तक डिस्कस कर रहे थे, डिस्कशन में हम टीबी डिस्कस कर रहे थे, जी, उसका आंसर उसी में है। अच्छा, वो आंसर ये है, क्योंकि कैंसर का मरीज जब उसको खांसी होती है, बलगम होता है, और ये होता है, मोस्ट ऑफ जो हम जैसे डॉक्टर सोसाइटी है, हम जानते हैं कि भाई टीबी बहुत कॉमन है, घर घर में है, इसको ये हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, चलो इसको ATT दे देते हैं, टीबी की दवाई दे देते हैं, ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि टीबी बहुत कॉमन है। उसके जहन में कभी ये बात नहीं हो आती है कि भाई ये कैंसर भी हो सकता है, हमारे देश में कैंसर भी बहुत कॉमन है। तो पहले वो फंस गए, अब उसको टीबी समझ के इलाज करते रहे, क्योंकि टीबी की में भी एक्सरे में गांठ आती है, लंग कैंसर में भी एक्सरे में गांठ आती है। तो हमारा मैसेज बहुत ही क्लियर है, प्रफुल्ल जी की तरफ से, हमारे तरफ से, समिता मिश्र मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च की तरफ से, कि अगर आपको खांसी है और 10 दिन में वो ठीक नहीं हो रही है और बलगम में ब्लड आ रहा है, आपको टीबी के अलावा कैंसर भी हो सकता है, हो सकता है कि वो टीबी ना हो, वो कैंसर हो, तो अगर आपको कोई डॉक्टर टीबी कहते हैं तो पहले उसको एज अ डॉक्टर, पहले हम कैंसर को भी रूल आउट करें, जरूरत पड़ती है तो एक बायोप्सी जरूर ले, ताकि कल के दिन जो हम अक्सर देखते हैं, अक्सर जो लंग कैंसर के मरीज आते हैं, 50-60% लंग कैंसर के मरीज 3-4 महीने की टीबी का ट्रीटमेंट लेके हमारे पास आते हैं। जो 3-4 महीने जो हमने वेस्ट किए हैं, उसमें स्टेज 1 से लंग कैंसर स्टेज 2, स्टेज 2 से स्टेज 3, स्टेज 3 से स्टेज 4, अगर स्टेज 1 में आते तो 90% लंग कैंसर के मरीज बच जाते, अगर स्टेज 2 में आते तो 70% लंग कैंसर के मरीज बच जाते, अगर स्टेज 3 में आते तो लगभग 50% से ज्यादा बच जाते, क्योंकि वो लास्ट स्टेज में आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था, वो कंफ्यूज रह गए कि भाई टीबी और कैंसर के बीच में, और वो इस तरह से। तो ये एक कारण है जिसके वजह से, और दूसरी कारण तो जैसे हम सब जानते हैं कि हम लोग आजकल अपने स्वास्थ्य को, हेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। जी, बिल्कुल नहीं। हम सबसे लास्ट चीज जो इंपॉर्टेंस देते हैं वो अपने हेल्थ को, इसलिए हेल्थ इज वेल्थ, डू केयर फॉर योर हेल्थ। डेफिनेटली, एज डॉक्टर साहब सेड, हेल्थ इज वेल्थ, वी शुड केयर फॉर अवर हेल्थ। दोस्तों, वाकई, क्योंकि हमारी सेहत ही जान है तो जहान है, अगर हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर हमारे लिए दुनिया भी निराशामयी रहेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा।
कैंसर की इन स्टेजेस को हम कल भी जारी रखेंगे। लंग कैंसर के बारे में अधिक जानकारी आपको देते रहेंगे, आपके ईमेल्स और फोन्स का जवाब भी डॉक्टर साहब आपको देंगे। देखना मत भूलिएगा कल इसी वक्त इसी चैनल पे कैंसर भगाओ। नमस्कार। कैंसर भगाओ एक जागरूकता अभियान है, आप भी इस अभियान से जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस अभियान को मदद भी कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। कैंसर भगाओ अभियान से जुड़ें और मिलकर बोलें, जागरूकता फैलाओ, कैंसर भगाओ।